हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब की। फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कि जब हम ये सेंसिटिव टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको एक ऑब्जर्वर की तरह ये लेक्चर सुनने चाहिए या ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। इसमें थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? आई होप आपका भी ये पॉइंट रहेगा। और मैं भी यहाँ पे जो रीड कर रहा हूँ वो यहाँ पे बुक्स में लिखा है, और जो मेरी नॉलेज गेन करी है मैंने थ्रू वेरियस सोर्सेस, वो मैं आपको कन्वे करूंगा, राइट? और तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें इमोशंस में हमें नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाबी हैं तो ये शायद हमें वियर्ड लगे, हम कश्मीरी हैं तो कश्मीरी वाला अलग लगे, तमिल वाले में तमिल हमें लगे कि हम की क्या बात कर रहे हैं, या हम हिंदी हैं या ब्राह्मण है, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, तो हमें लग सकता है कि ये क्या हो रहा है ना, मतलब ये जो टॉपिक्स है इससे मैं एग्री नहीं करता। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक अपना व्यू आप न्यूट्रल रखिएगा, जितना पॉसिबल हो सके। पूरा न्यूट्रल तो होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट अपने पुराने नोशंस को हटाइए और न्यू व्यूज सुनिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो पंजाब देखते हैं। द डिकेड ऑफ 1980s आल्सो विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो 1980s में काफी ज्यादा आपको मेजर डेवलपमेंट देखेंगे पंजाब में। दो चीजें शुरू पहले से ही हो गई थी दोस्तों, राइट? एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा उसी टॉपिक में, कि सब पास्ट की बातें हैं, हमें पास्ट को वो काफी याद रखना चाहिए, लेसन लर्न करने चाहिए, बट उसको भूल के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि पास्ट में ये हुआ था तो हम बदला लेंगे किसी से, ये करेंगे वो करेंगे। उन चीजों को थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज तो दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है? तो 1980s में बहुत प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, और उसी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आने लगी, राइट? और आपको दिखेगा कि वहाँ पे नशे की भी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी काफी ज्यादा। आपको दिखेगा कि सेंसिटिविटीज काफी ज्यादा इम्पेक्ट होंगी लोगों की पार्टीशन के बाद, तो इन चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। द सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट चेंज्ड फर्स्ट विद पार्टीशन। तो पहले पंजाब जो था दोस्तों, वो एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे सिख और मुस्लिम ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में थे, ठीक है दोस्तों? और बहुत ही सॉलिड स्टेट था, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है? और अभी भी आपको सेम चीजें दिखेंगे अगर हिंदुस्तान के पंजाबियों को देखें और पाकिस्तान के पंजाबियों को। लैंग्वेज सेम, खाना पीना सेम, बिल्ड भी सेम है ना। तो वहां पे पठान, यहाँ पे सिख, और काफी हिंदूज भी हैं, ठीक है? तो सोशल कंपोजिशन दोस्तों आपको देखिएगा कि पंजाब की काफी बार चेंज होगी, पहले तो पार्टीशन के बाद जो मैंने समझाया, लेटर ऑन आफ्टर कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो पहले पेप्सू स्टेट था, पेप्सू की फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? पेप्सू स्टेट करके हुआ करता था ये। और आपको पेप्सू की कैपिटल पटियाला दिखेगी, तो पी आपको पता चल गया होगा, एक पटियाला है। तो उसके बाद आपको दिखेगा कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया, जो माउंटेनियन माउंटेन रीजन था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और हरियाणा को दोस्तों थोड़ा हिंदी स्पीकिंग जाट, राइट, एंड हिंदूस, उनको बना दिया गया हरियाणा। ये मैंने वर्ड्स यूज करें जनरल वे में, जनरल वे में, पूरी तरीके से ट्रुथ नहीं होते, क्योंकि हरियाणा में भी सिख, हरियाणा में भी मुस्लिम, पंजाब में भी आपको देखेगा हिंदू पहाड़ी, और आपको देखिएगा कि मुस्लिम भी है, ठीक है? उनका भी ध्यान रखना होगा, तो पूरा एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये सोशल कंपोजिशन दोस्तों चेंज तो हुई, क्यों? पहले पेप्सू अलग, अब अलग है ना। जब पार्टीशन होता है ना तो एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है, जैसे पंजाबी पाकिस्तानी और पंजाबी इंडियन, पहले तो भाई भाई की तरह रहते थे, दंगे हुए, फसाद हुए पार्टीशन के टाइम, दुश्मन एक दूसरे के। ऐसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखेंगी बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश में आपको नहीं, वो तो पहाड़, थोड़ा अलग ही व्यू था उनका, अलग ही है। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन 1950s, ये आपको एक वियर्ड चीज दिखेगी, पूरा का पूरा जो भारत था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो लिंग्विस्टिक कमीशन वगैरह बनी थी उनके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे काफी सारी स्टेट्स बने थे इंडिया में, जैसे तमिलनाडु है ना। लेकिन आपको दिखेगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब को रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया, मतलब पंजाबी जो थे वो पंजाब पंजाबी लैंग्वेज बोला करते थे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग हरियाणवी, हिमाचल में अलग अपनी लैंग्वेज चल रही है, गढ़वाल ये सब वगैरह भी चल रही है, और भी लैंग्वेजेस हैं मल्टीपल, लेकिन इस बेसिस पे पंजाब स्टेट नहीं बनाई गई। देखिए, इसमें आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, नहीं भी क्रिटिसाइज ऐसे कर सकते हो कि क्यों नहीं बनाई, सेकेंड आप कर सकते हो कि ऐसे तो कितनी स्टेट बना लेती फिर गवर्नमेंट, ठीक है? तो 1950s में नहीं बनाया, तो पंजाब को 1966 तक वेट करना पड़ा फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है? पहले तो ये आप ये समझ लीजिए कि
थोड़ा सा टसल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन 1966 में थोड़ी सी कूल डाउन हुआ, क्यों, पंजाबी स्टेट बनी है, राइट। अकाली दल विच वॉज फॉर्मड इन 1920, हमने देखा था दोस्तों अकाली दल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख्स हैज लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पंजाबी सूबा। तो पंजाबी सूबा के लिए अकाली ने लीड करा था कि हमें पंजाबी स्टेट बनानी है। द सिक्स वर नाउ अ मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। तो मैंने आपको जैसे समझाया पार्टीशन के बाद सिक्स मेजोरिटी में था पंजाब में। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, और थोड़ी सी और भी है जो मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहा, काफी ज्यादा पैसा था लोगों के पास, ठीक है, याद रखना पैसा होना बड़ी बात होती है, बाकी जगह पे पैसा नहीं है, जब पैसा है आपके पास तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, गलत काम भी कर सकते हो, अच्छे काम भी कर सकते हो, काफी होने अच्छे काम भी करे और थोड़े से लोगों ने काफी ज्यादा गलत काम भी करे जिसका थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो पैसा है, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी, काफी लोगों के पास पैसा है, जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई चीजें, लेकिन आपको ये समझना होगा। और पंजाब को जब आपने बाइफर्केट कर दिया तो पंजाब पांच रिवर्स से करके बना था, पांच रिवर्स ना, आपने शायद ये सुना होगा, पन वर्ड कहाँ से आता है, पन, पांच रिवर्स, पांच रिवर्स में से आपको देखिएगा सिचुएशन ऐसी कि कोई पानी की कमी है वहां तो, है ना। तो ये एक चीज और देखी पार्टीशन होने के बाद, तो पानी की भी कमी दिखेगी आपको पंजाब में, राइट, अभी भी है। अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दोस्तों। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन अकाली केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977। तो ये अकाली जो है पावर में आए, ऑन बोथ द ओकेजन इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट आपको दिखेगी दोस्तों, किसी के साथ मिलके वो सरकार बनाएंगे स्टेट में, स्टेट की बात हो रही है। 1967 में पहले इलेक्शन हुए, फिर 1977 में। अकाली इज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज दियर पोलिटिकल पोजिशन रिमेन्ड प्रीकेरियस। तो बोलते हैं यार ये तो मजाक में ही हमारा बस स्टेट क्रिएट किया है नाम के लिए, असली ऑटोनॉमी मिली नहीं है, रीजनल एस्पिरेशन हमारी फुलफिल हो नहीं रही है। फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। तो वही सेंटर का इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक सेंटर को थोड़ा मैच्योरली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक पेरेंट होता है, बड़ा भाई होता है, डिसमिस वगैरह करने से चीजें चलती नहीं है। सेकेंडली दे डिड नॉट इन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदूज। तो अकाली को आपको दिखेगा कि जहाँ पे हिंदूज, हाँ माइनॉरिटी में लेकिन अच्छे खासे नंबर में है पंजाब में, उनका सपोर्ट नहीं मिला उन्हें। थर्डली द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वॉज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन। तो इंडिया की वो है एक, क्या कह सकते हैं कि ये एक चीज इंडिया में मिलती है, कास्ट, कास्ट और क्लास, है ना, फ्री में मिलता है, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, आप कास्ट में डिवाइड हो जाते हो इंडिया में, हिंदूज तो हैं ही डिवाइडेड। तो सिख्स भी आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा डिवाइडेड आपको दिखेंगे बिटवीन वेरियस कास्ट, होना नहीं चाहिए। गुरु नानक या आप बाकी भी कोई गुरु देखें, बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं थे, मुस्लिम में भी आप देखो नहीं सपोर्ट में थे, हिंदूज में तो काफी डिफ्रेंशिएटेड ग्रुप्स आते हैं, तो वहां पे कुछ एग्जैक्ट कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आपको दिखेगा कि इंडिया में ये चीजें चलती हैं, कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं लोग, क्लास में तो चलो पूरी दुनिया में होते हैं, नहीं कास्ट में काफी डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे भी है। कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीस। तो जो दलित सिख थे है ना, उनका सपोर्ट कांग्रेस को मिल रहा था, अकालीस को मिल नहीं रहा था, और ये अकालीस को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए आपको दिखेगा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, क्यों, क्योंकि वोट उनके कांग्रेस को ही जा रहे थे, किनके, जो लोअर कास्ट थे, अपर कास्ट सिख्स के अकालीस को जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ड्यूरिंग दी 1970s अ सेक्शन ऑफ अकालीस बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन। अब थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग टर्न लेंगी और इसको हैंडल करना आसान नहीं होगा, साथ साथ में ध्यान रखो कि देश का फोकस 1971 वॉर में है और दूसरी दूसरी चीजों में, बैंक का नेशनलाइजेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बड़ी बड़ी चीजें चल रही है ना, साथ में ये चीजें शुरू हो गई पंजाब की। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन अ रेजोल्यूशन पास्ड एट देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब इन 1973। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी टर्म्स एग्जैक्टली याद रखना। और आपको दिखेगा कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन होगा, अलग अलग लोग इसे अलग अलग समझेंगे। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। तो ये वर्ड लिखे हुए हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, मैं आपको पहले ही समझाते हुए आ रहा हूँ, ऑटोनॉमी का मतलब अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ही ऑटोनॉमी मिले, कुछ लोग बोलते हैं कंट्री के बाहर मिले, कुछ लोग बोलते हैं ये वो, अलग अलग बातें करते हैं। रीडिफाइन सेंट्रल स्टेट मतलब सेंटर, अब रीडिफाइन कितना है ना, तो सेंटर ज्यादा पार्ट नहीं लेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, वो सब बात है। द रेजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख कॉम, कॉम का मतलब होता है कम्युनिटी और नेशन, ठीक दोस्तों।
एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोल बाल डोमिनेंस और हेजिमोनी ऑफ द सिक्स। तो ये वर्ड आप लिख के आओगे, बोल बाल ऑफ द सिक्स एंड द एस्पिरेशन फुलफिल करनी है सिकॉम की। द रेजोल्यूशन वॉज अ प्ले फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म बट इट कॉड ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ प्ले फॉर अ सेपरेट सिख नेशन। तो ये एक ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। काफी लोगों ने इसे ऐसे देखा कि जो थोड़े से कूल टाइप के थे कि हाँ जी ये तो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि स्टेट स्ट्रांग हो रही है। काफी लोगों ने इसे बोला कि हम तो अपना अलग देश बनाने वाले हैं, है ना। ये एक बात हो गई। द रेजोल्यूशन हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना होगा कि सिख मासेस के लिए एक नहीं था। तो जब ज्यादा अपील नहीं होती ना तो जबरदस्ती अपील क्रिएट कराने की कोशिश की जाती है, वो काफी ग्रुप करेंगे। अ फ्यू इयर्स लेटर आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड इन 1980 अकाली दल लॉन्च द मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। तो ये आपको देखिएगा आज भी चल रहा है दोस्तों ये, ठीक है, पानी का इशू बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, ये यहीं से शुरुआत हुई थी। तो अकाली दल को डिसमिस कर दिया सेंटर ने और उसने एक मूवमेंट लॉन्च करा ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी नहीं मिल रहा हमें। और याद रखो पानी बहुत जरूरी है, किसके लिए, पंजाब के लिए। पंजाब में राइस की खेती भर भर के होती है और राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है और पानी वहां मिलेगा नहीं, नेचुरली तो मिलता नहीं है, ठीक है, नेचुरली नहीं मिलता वहां पानी। और पार्टीशन के बाद रिवर्स भी काफी चली गई पाकिस्तान में, नेचुरली पानी नहीं मिलता, इसका मतलब बारिश बारिश कहाँ होती है पंजाब में, ठीक है, होती है, मतलब ये ज्यादा नहीं होती, वहाँ उगाना कुछ और चाहिए, वहाँ पल्सेस वगैरह वो चीजें उगानी चाहिए जो ज्यादा पानी नहीं लेती, लेकिन उगाते वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको वीट और राइस दिखेगा वो आ रहे हैं ज्यादा, स्पेशली राइस, राइस वगैरह वहाँ नहीं उगाना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो, ठीक है। लेकिन सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ हुआ है, पैसा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, तो राइस उगा रहे हैं ना, वो भी प्रॉब्लम्स है साइड में। इसलिए मैं ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट है जो एक एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे इनको राइस नहीं उगाना होता तो इतना पानी की जरूरत ही नहीं होती, सिंपल सी बात, फिर ये सब डिमांड आती नहीं फालतू की, है ना। अ सेक्शन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी। तो रिलीजियस लीडर्स जो थे वो क्वेश्चन रेज करने लगे कि हमें एक सिख आइडेंटिटी की बात करनी चाहिए, हमारा एक अलग नेशन होना चाहिए। काफी लोग बोलने लगे जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का नेशन है, ऐसे हमारा भी एक नेशन होना चाहिए जिसका नाम खालिस्तान। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स, एक्सट्रीम वर्ड देखो सब नहीं बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखना आप, है ना, सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स इन द सिख, या आप ऐसे कह सकते हो सिख में भी सब लोग अकाली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अकाली दल में भी कुछ लोग सिख को अकाली दल में कुछ कुछ सिख हैं, ये बताना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, गलत फहमी लोग निकाल लेते हैं। तो सारे सिख नहीं, कुछ सिख जो है वो अकाली दल को सपोर्ट करते हैं, उस अकाली दल में भी कुछ लोग एक्सट्रीम जो है वो खालिस्तान की डिमांड करेंगे, है ना। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स स्टार्टेड एडवोकेटिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ अ खालिस्तान। सेशन मतलब इंडिया छोड़ देंगे एंड अपना नेशन बनाएंगे खालिस्तान करके, ठीक है, और इसको सपोर्ट थोड़ा सा बाकी नेशन से भी मिलेगा, पाकिस्तान से, कनाडा से, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कुछ लोग रेस करेंगे और आपको दिखेगा कि अकाली दल जो होगा उस वो एस पार्टी ओवरऑल इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा, हमने समझ लिया कि पंजाब में प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हो रही है। अब वो सेपरेट, कुछ लोग जो है सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे हैं और ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे रिलेशन तो अच्छे करो बिटवीन इंडिया एंड पंजाब, क्या आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो जब मन करता है, हमारे तो कुछ है ही नहीं आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है पंजाब में, ये मेन रीजन दिखेगा, और हमने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी देख लिया है। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या होगा इसके बाद, एंड आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।